गोरखपुर कांड में 68 बच्चों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में 3 बच्चों की मौत ने हड़कंप मचा दिया है और यहां भी बच्चों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। वहीं सीएम रमन सिंह ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर नगर हॉस्पिटल में बीती रात 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते बच्चों की जान चली गई। आरोप है कि ऑक्सीजन विभाग का प्रभारी कल रात शराब के नशे में धुत था, इसीलिए ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और 3 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव आर प्रसन्ना ने बच्चों की मौत की कुछ अलग ही वजह बताई है। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। आर प्रसन्ना के मुताबिक एक बच्चे को इन्फेक्शन था जबकि बाकी 2 बच्चों का दिल कमजोर था जिसके चलते उनकी मौत हुई। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि ऑक्सीजन सप्लाई में दबाव कम था, इसी वजह से काम में लापरवाही बरतने के आरोप में ऑक्सीजन ऑपरेटर कर्मचारी रविचंद्रा को निलंबित करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आर प्रसन्ना का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही बच्चों की मौत की वजह साफ हो सकेगी। दूसरी तरफ इस हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती दूसरे बच्चों के परिजनों को डर सता रहा है। इस वक्त अस्पताल के शिशु वार्ड में करीब 25 से अधिक बच्चे भर्ती हैं। मामले के सामने आने के बाद कुछ परिजनों ने अपने बच्चों को दूसरे अस्पतालों में ले जाने की बात कही है। वहीं इस हादसे पर दुख जताते हुए सीएम रमन सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।